हेलो दोस्तों, टेक ब्लेडेड की पाइथन लर्निंग सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। पिछले ट्यूटोरियल में हमने कुछ ऑपरेशंस देखे, इस ट्यूटोरियल में हम कुछ ऑपरेशंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले हम देखेंगे ज्वाइन टू सेट्स। टू सेट को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अगर हमें ज्वाइन करना है तो हम यूनियन या अपडेट, इन दोनों मेथड में से कौन सी भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। तो देखेंगे यूनियन मेथड। तो इनमें मेथड से क्या होता है, अगर हमें दो सेट ज्वाइन करने हो और उसका एक नया सेट बनाना हो तो हम यूनियन मेथड का यूज़ करते हैं। तो चलिए आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ए सेट है जिसमें 1, 2, 3 ए एलिमेंट्स है। बी सेट है जिसमें 4, 5, 6 ये एलिमेंट्स है। तो ये दो सेट मैंने तैयार कर दिए। और अगर मुझे सी सेट बनाना है, एक नया सेट इन दो सेट को मिला के, तो मैं क्या करूँगा, C इक्वल टू ए डॉट यूनियन B। और अभी अगर ये रन नहीं कर देता हूँ तो हमारा जो सी सेट बनेगा वो A एंड B सेट का यूनियन होगा। मीन्स दोनों के एलिमेंट इस सेट में C सेट में ऐड हो जाएंगे। देखिए C सेट मैंने प्रिंट कर दिया, क्या आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यूनियन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, दो सेट को यूनिट करके, दो सेट को मिला के तीसरा सेट, न्यू सेट तैयार कर सकते हैं। तो सेम अगर मुझे अपडेट यूज करना है तो मैं क्या करूँगा, अपडेट मेथड से क्या होता है, अगर मुझे सी ए सेट में बी सेट ऐड करना है लेकिन बिना थर्ड सेट तैयार किए, तो मेरा क्या होगा, ए सेट अपडेट हो जाएगा और ए सेट में बी सेट की वैल्यू ऐड हो जाएगी। यह भी यूनियन हो जाएगा लेकिन जो हमारा पहला वाला सेट है उसमें सारी वैल्यूज ऐड हो जाएगी। देखिए अगर मुझे ए डॉट अपडेट बी करना है, अभी ये करूँगा और फिर प्रिंट ए कर देता हूँ, तो देखिए ए सेट में सारी वैल्यूज हो जाएगी ऐड और ये हो गया हमारा ए और बी का यूनियन अपडेट यूज़ करके। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा है। ये देखिए अगर हम किसी भी दोनों भी सेट में अगर डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो ये यूनियन और अपडेट ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट वैल्यू को निकाल देता है, एक्सक्लूड कर देता है। तो हमारा जो नया सेट मिलेगा उसमें सारी यूनिक वैल्यूज होंगी। कीप ओनली द डुप्लीकेट्स मीन्स इंटरसेक्शन। हमें पता है अगर दो सेट में वैल्यू सेम है तो उसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं दोनों सेट का। तो अगर हमें दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों सेट में कौन सी वैल्यूज कॉमन है वो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन मेथड का यूज करेंगे। इंटरसेक्शन मेथड भी हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, एक इंटरसेक्शन अपडेट और एक है सिर्फ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन अपडेट से क्या होगा, देखिए ए मैं क्या कर देता हूँ, दोनों सेट आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, प्रिंट ए और प्रिंट बी। तो देखिए सेट क्या है, प्रिंट ए क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सेट बी क्या है, 4, 5, 6। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों सेट में से इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट कौन से है वो एक सेट में लाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, ए सेट को ही अपडेट कर देता हूँ। कैसे, मैं थर्ड सेट क्रिएट नहीं करूँगा, जहाँ पर भी अपडेट ये वर्ड आता है वहाँ हम थर्ड सेट क्रिएट नहीं करते, उन दो सेट में से ही एक सेट को अपडेट कर देते। देखिए बी डॉट इंटरसेक्शन अपडेट और यहाँ ब्रैकेट में मैं ए डालूंगा पैरेंथेसिस के अंदर, और अभी ये मैं रन करूँगा तो बी सेट में दोनों में से जो भी कॉमन वैल्यूज है वो ऐड हो जाएंगी। देखिए रन कर देता हूँ तो दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, 4, 5, 6, 4, 5, 6। तो 4, 5, 6 बी सेट में अपडेट हो गई और हमने बी सेट प्रिंट कर दिया। अगर मुझे इन दोनों की कॉमन वैल्यूज, इंटरसेक्टिंग वैल्यूज थर्ड सेट में डालनी है तो मैं क्या करूँगा, सी एक थर्ड सेट बनाऊँगा जिसके अंदर ए डॉट इंटरसेक्शन बी ये यूज करके वैल्यूज ऐड कर दूंगा। देखिए अगर मैं अपडेट यूज करता हूँ तो जो भी हम सेट यूज कर रहे हैं उनमें से एक सेट को हम अपडेट कर सकते हैं, जो भी हम डॉट के आगे लिखते हैं। और अगर हमें इंटरसेक्टिंग वैल्यूज किसी तीसरे सेट में डालनी है तो हम अपडेट यूज नहीं करेंगे, सिर्फ यूज करेंगे इंटरसेक्शन।
तो अभी मैंने सिर्फ इंटरसेक्शन यूज़ किया और अभी मैं सी सेट प्रिंट कर दूंगा। देखिए तो सी सेट में वैल्यू आ जाएंगी 4, 5, 6 जो कि कॉमन है 4, 5, 6। देखिए ए और बी सेट में 4, 5, 6 ये इंटरसेक्टिंग वैल्यूज है। सेम वे थर्ड क्या है, कीप ऑल बट नॉट द डुप्लीकेट्स। तो हमें क्या करना है, जो भी कॉमन वैल्यूज है उन्हें छोड़ के सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है। मीन्स देखिए यहाँ हमने क्या प्रिंट किया, 4, 5, 6 ये कॉमन वैल्यूज प्रिंट की, लेकिन मुझे क्या करना है 4, 5, 6 को छोड़ के सारी वैल्यूज प्रिंट करनी है। मीन्स क्या 1, 2, 3 प्रिंट होनी चाहिए। तो देखिए वो कैसे करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस इस मेथड से हम करते हैं। अभी आपको पता चल गया होगा सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट और सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या फ़र्क है। सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या कर सकते हैं, नया सेट तैयार करके उसमें जो भी नॉन डुप्लीकेट वैल्यूज है वो आ जाएगी, और सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट में जो भी दो सेट हम यूज़ करेंगे उसी सेट में से किसी एक सेट की वैल्यूज अपडेट कर हो जाएगी जो भी हम डॉट के आगे लिख देंगे। तो देखिए ए सेट में बना देता हूँ 1, 2, 3, 4, बी सेट में बना देता हूँ 3, 4, 5, 6। तो देखिए इन दोनों सेट में वैल्यूज कौन सी कॉमन है, 3, 4। तो हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 3, 4 छोड़ के सारी वैल्यू, मीन्स 1, 2, 5, 6। तो देखिए मैं क्या कर देता हूँ, ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट बी कर देता हूँ। तो अभी ए में ये वैल्यूज ऐड हो जाएगी, ए अपडेट हो जाएगा और 3, 4 निकल जाएगा। तो देखिए और मैं ए प्रिंट करूँगा, जहाँ भी हम अपडेट लिखते हैं वहाँ दोनों में से एक सेट अपडेट होता है, मीन्स कौन सा सेट अपडेट होता है, जो भी हम शुरुआत में लिखेंगे डॉट के पहले। तो देखिए ए की वैल्यूज आ गई 1, 2, 5, 6, हमें आउटपुट चाहिए था 3 और 4 छोड़ के सारी वैल्यूज आ गई 1, 2, 5, 6। सेम वे अभी मैं क्या करता हूँ, दूसरी मेथड यूज़ करता हूँ जिसमें हम थर्ड सेट बनाएंगे। इसमें मैंने फिर से ये वैल्यूज ए और बी में डिक्लेयर कर दी। तो अभी मैं क्या करूँगा, सिर्फ सिमेट्रिक डिफरेंस इसका यूज़ करूँगा। तो देखिए थर्ड सेट में सी बनाऊँगा इक्वल टू ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस और इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर बी डाल दूँगा। तो अभी इनमें से जो भी नॉन कॉमन वैल्यूज है वो यहाँ सी में ऐड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ हमने अपडेट यूज़ नहीं किया है। अगर अपडेट यूज़ कर दे तो वैल्यू ए में अपडेट हो जाती। तो देखिए और अब मैं प्रिंट सी करूँगा, रन कर देता हूँ। देखिए 1, 2, 5, 6 ये वैल्यूज प्रिंट हो गई, ये सेट हमारा क्रिएट हो गया। तो इस तरह से हम दो सेट को ज्वाइन कर सकते हैं, यूनियन कर सकते हैं, किसी अपडेट कर सकते हैं, इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं यूजिंग इंटरसेक्शन अपडेट, एंड इंटरसेक्शन थर्ड सेट में क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग इंटरसेक्शन, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल सकते हैं यूजिंग सिमेट्रिक डिफरेंस, एंड यूजिंग सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट वी कैन अपडेट वन ऑफ द सेट। तो मुझे आशा है दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए कीप कोडिंग। We'll be right back.